डॉक्टर जाकिर नाइक अपने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी पर तबसरा और बयान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी निशानी चांद पर लिखा हुआ नाम अली है। डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप अल्लाह के नाम अली और इमाम अली के नाम को नहीं मानते? क्या चांद पर इमाम अली के नाम की हकीकत देखने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इमाम अली के शिया बन जाएंगे? www.alinameonmoon.com। इस जगमगाते चांद ने शैतान और उसकी पार्टी के लिए क्या आग लगा दी है? चांद पर इमाम अली का नाम हर जीवित प्राणी पर चमक रहा है जो उन्हें सही रास्ते की याद दिलाता है। भगवान शिव, गौतम बुद्ध, ईसा अलैहि अस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया है, इस तरह इमाम अली की तरफ इशारा किया है। शिव को चांद पर अली के नाम का राज मालूम था, इसलिए उसने चांद की मूर्ति अपने सर पर ताज की तरह रख दी। चांद भगवान शिव की अलामत बन गया क्योंकि शिव ने इसे हर जगह इस्तेमाल किया। इस किताब में हमने सबूत दिखाया है कि लफ्ज़ हिंदू खालिस अरबी लफ्ज़ है। हमने दिखाया है कि हिंदू निशान ओम एक अरबी लफ्ज़ है जिसे अरबी में अली कहा जाता है। हिंदू मत में शिव को असल में शी कहा जाता है और अरबी में शिया को असल में शीत कहा जाता है। इसलिए इस बात का कवि इम्कान है कि शिवा नाम की जुड़े अरबी और कुरानी लफ्ज़ शिया में हैं। इस तरह अरबी लफ्ज़ शिया बैसगीर पाक और हिंद में शिवा बन गया। हिंदू कहते हैं कि भगवान शिव को तमाम इल्म था। इस तरह भगवान शिव यकीनी तौर पर जानते थे कि अली नाम चांद पर मौजूद है। इस नुक्ते को वाज़े करने के लिए भगवान शिव ने अपने सर पर एक बुत शबी चांद का मुजस्मा बतौर ताज रखा। भगवान शिव हिंदुओं की आने वाली नस्लों को बताना चाहते थे कि चांद की सतह पर अली का नाम है और अली का नाम भगवान शिव से बुलंद है। भगवान शिव जानते थे कि चांद पर इमाम अली के नाम का राज मुस्तकबिल में खुल जाएगा। इस तरह भगवान शिवा ने अपने सर पर चांद की मूर्ति रखकर इमाम अली के इख्तियार और ताकत का इजहार किया। लिहाजा हिंदुओं को अपने लीडर शिव की मिसाल पर अमल करना चाहिए और अली का नाम अपने सर पर ताज की तरह पहनना चाहिए। हिंदू इमाम अली के शिया बन जाएं। भगवान शिव ने अपनी पेशानी पर अरबी हर्फ बा भी लिखा हुआ था। भगवान शिव की पेशानी पर लिखा हुआ अरबी हर्फ बा तकरीबन हर हिंदू पेंटिंग पर लिखा हुआ है। इस यूट्यूब वीडियो में शिव की एक पेंटिंग भी देखी जा सकती है जिसमें शिव की पेशानी पर अरबी हर्फ बा लिखा हुआ दिखाया गया है। अरबी हर्फ बा में हिंदू मत में एक नुक्ते पर मुश्तमिल है जिसे बिंदी कहते हैं। हिंदू अक्सर इस बिंदी को माथे पर इस्तेमाल करते हैं। हिंदू मजहब में तमाम मखलूकात और कायनात बिंदी से शुरू होती है। इमाम अली ने फरमाया कि वो हर्फ बा के नीचे नुक्ता है जिसमें हर चीज का इल्म है, जैसा कि हम इस किताब में पहले तफसील से बयान कर चुके हैं। भगवान शिव की पेशानी पर अरबी हर्फ बा लिखा हुआ है जो इमाम अली की तरफ इशारा करता है। भगवान शिव के सर पर चांद इमाम अली की तरफ इशारा करता है। हिंदू निशान ओम दरअसल अली अरबी में लिखा हुआ है। असली चांद इमाम अली की तरफ इशारा करता है। क्या हिंदुओं को मजीद सबूत की जरूरत है? अल्लाह का नुक्ताए इमाम अली जिसने तमाम इंसानों के बनाए हुए नजिस नुक्तों को मिटा दिया और मुनाफ़िकों का बेड़ा गर्क कर दिया। इमाम अली खुदा का जर्रा, वो नुक्ता जहां से तमाम तख्लीक शुरू होती है। चांद एक नुक्ता जिसमें चांद पर इमाम अली का नाम है। सुनी शेख हाफिज सुलेमान इब्न अलकंदोजी हनफी की लिखी हुई सुनी किताब जन्नत अलमवाद दाता में उन्होंने दर्ज किया है कि इमाम अली ने फरमाया, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है इसका इल्म कुरान में है और कुरान का तमाम इल्म सूरा फातिहा में है और फातिहा का तमाम इल्म उसकी बिस्मुल्लाह में है और बिस्मुल्लाह का तमाम इल्म बाब में है और मैं अली तबा के नीचे नुकता हूँ। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है इसका इल्म कुरान में है। कुरान मजीद में सूरा फातिहा मौजूद है। सूरा फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है, इसमें पूरे कुरान का इल्म मौजूद है। कुरान की सूरा फातिहा का आगाज 3 अरबी अल्फाज बिस्मुल्लाह से होता है जिसका मतलब अल्लाह के नाम से है। बिस्मुल्लाह के 3 अल्फाज में हमें वो तमाम इल्म मिलता है जो कुरान की सूरा फातिहा में है। कुरान में बिस्मुल्लाह अरबी हर्फ बा से शुरू होता है जिसमें एक नुक्ता होता है। अरबी में हर्फ बा अंग्रेजी में बी के बराबर है। अरबी में हर्फ बा एक नुक्ते पर मुश्तमिल है। नुक्ते के बगैर अरबी में कोई हर्फ बा नहीं है।
इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने वजाहत की कि कुरान मजीद में शुरू से आखिर तक हर चीज़ का इल्म मौजूद है और कुरान का खुलासा कुरान में मौजूद अरबी हर्फ बा के नुक्ते में है। अरबी हर्फ बा नुक्ते के बगैर कभी भी हर्फ नहीं बन सकता। इमाम अली अलैहि अस्सलाम वो नुक्ते हैं जिसमें तख्लीक की इब्तिदा से इंतहा तक हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला ने इस वसी कायनात में चांद को एक नुक्ता बनाया है जिसकी सतह पर अरबी में अली का नाम है। तमाम मेहरबानों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला अल्लाह तमाम मखलूक़ात को बता रहा है कि इमाम अली हर चीज़ का इल्म रखने वाली हस्ती है। इमाम अली वो नुक्ता है जहाँ से तमाम मखलूक़ात का आगाज़ होता है और तमाम इल्म का इखराज होता है। ये इमाम अली नुक्ते से फैलता हुआ इल्म है जो हर चीज़ को तख्लीक करता है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को इमाम अली का फ़लसफ़ा नुक्ताए नज़र दिखाना चाहता है, इसलिए जब भी अल्लाह ताला कायनात में किसी तख्लीक की इब्तिदा करता है तो तख्लीक की इब्तिदा नुक्ते से करता है। हर एक तख्लीक एक नुक्ते से पैदा होती है। इंसान, जानवर, पौधे, ये सब नुक्तों से बनाए गए हैं जिन्हें हम बीज और एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ तक के बीज खुद नुक्तों से बनाए गए हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। गैसें, मदनियात और रोशनी सब जौहरी नुक्तों से बना है। अगर एटम मजीद बखर जाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन हैं, वो सब नुक्ते हैं। अगर हम सूरज, चांद, ज़मीन और दीगर तमाम सैयारों की तरफ देखें तो बिलाशुबा ये सब नुक्तों की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ तक के सैयारों के मदार भी सर्कुलर हैं जो एक नुक्ते की नुमाइंदगी करते हैं। तमाम तख्लीक नुक्ता कानून से घिरी हुई है। जब भी तख्लीक शुरू होती है एक नुक्ते से शुरू होती है। एक लाइन नहीं बनाई जा सकती अगर उसे बनाने के लिए काफ़ी नुक्ते ना हों। हरूफ बा ता सा, आप कोई दूसरा हर्फ नहीं लिख सकता अगर उसे बनाने के लिए काफ़ी नुक्ते ना हों। दायरा, मुसद्दस कागज़ पर किसी भी शक्ल को बनाने के लिए, इसे मुकम्मल करने के लिए काफ़ी नुक्तों की ज़रूरत होती है। टीवी स्क्रीनों में हमें पिक्सल्स मिलते हैं, वो रोशन नुक्ते हैं। इन रोशन नुक्तों के बगैर टीवी स्क्रीनें काम नहीं कर सकती। नुक्ता जितना भी बड़ा हो जाए फासले पर ये एक नुक्ते की तरह लगता है। शुरू में इंसान अपनी माँ के पेट में सिर्फ एक नुक्ता होता है और फिर वो नुक्ता एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ दूर से पूरे बालिग इंसान को देखा तो वो फिर एक नुक्ते की तरह नज़र आता है। अल्लाह कुरान की सूरा 21 आयत 30 में फरमाता है, क्या काफिरों ने गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हमने इनको अलग किया और पानी से हर जानदार को बनाया, फिर क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। कायनात एक नुक्ते वाली चीज़ थी और फिर अल्लाह ताला ने इसे वसत दी और नुक्ते ने खरबों कहकशाओं के साथ एक बड़ी कायनात बन गई। लेकिन अगर हम कायनात को बहुत दूर से देखें तो ये दोबारा एक नुक्ते की तरह नज़र आएगी। दरहकीकत पूरी कायनात बड़े और छोटे नुक्तों से बनी है। हर चीज़ इमाम अली की दस्तरस में घिरी हुई है। इसलिए जब भी कोई तख्लीक शुरू होती है तो इसका आगाज़ एक नुक्ते से होता है जो इमाम अली की अज़मत को ज़ाहिर करता है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम की विलायत हर चीज़ को घेरे हुए नुक्ते का कानून है। इमाम अली खुदा का ज़र्रा है, वो नुक्ता जो हर चीज़ की वजाहत करता है और हर चीज़ पर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरा 36 आयत 12 में फ़रमाता है, कुरान सूरा 36 आयत 12, बेशक हम ही बेजान को ज़िंदा करते हैं और जो कुछ उन्होंने आगे किया और जो कुछ छोड़ा इसे लिखते हैं, और हर चीज़ को हमने एक ज़ाहिर इमाम इमाम मुबीन में महफूज कर रखा है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम वो ज़ाहिर इमाम हैं जिनकी ज़ात में अल्लाह ने हर चीज़ को महफूज कर रखा है। लिहाजा जब भी अल्लाह ताला किसी तख्लीक की इब्तिदा करता है तो उसकी इब्तिदा इमाम अली के ज़रिए करता है। अल्लाह ताला ने इमाम मुबीन को ज़ाहिर करने के लिए चांद पर अली का नाम ज़ाहिर किया है, और इसी तरह इसने इस वसी कायनात में चांद को एक नुक्ता बना दिया है ताकि ये ज़ाहिर हो कि इमाम अली अलैहि अस्सलाम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह कायनात में ज़ाहिर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मखलूक़ात में ज़ाहिरी शक्ल निशान ज़दा और काबिल तवज्जो नहीं हो सकता, इसलिए इसने इमाम अली अलैहि अस्सलाम को ज़ाहिरी शक्ल, मरी शक्ल, निशान ज़दा शक्ल के लिए पैदा किया है। माहिर तबीयात पॉल डेरिक ने कहा, जगह कुछ भी नहीं है, न ही जगह।
जब तक कि इसके मरकज में कोई शख्सियत खड़ी ना हो। अल्लाह ताला ने इमाम अली अलैहि अस्सलाम को कायनात की बुनियादी शख्सियत बनाया है ताकि रहमान को पहचाना जा सके। इस सिलसिले में तारिक बन शहाब ने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, इमाम अली के इमाम के फ़ज़ाइल बयान फरमाएं। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, इमाम की किसी एक सिफ़त को भी पहचानने का हुनर और मुशाहिदा किसके पास है, आ उसकी तस्वीर इदराक कर सकता है। जब वो इमाम की हकीकत को बयान करने की कोशिश करते हैं तो ज़मीन व आसमान आजिज हो जाते हैं। इमाम वो है जो कायनात के मरकजी नुक्ता में है, इस तमाम मदार का महवर है। इमाम उन तमाम चीज़ों का राज है जिसका वजूद मुमकिन है। इमाम खालिक इलाही की किरण है। इमाम अजीम तरीन और अजीम की अजमत है, आसमानों और ज़मीन की इज्जत। ये रवायत हदीस तारिक के खुतबा का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा है। चांद इस वसी कायनात में एक नुक्ता है और अल्लाह ताला ने इमाम अली का नाम चांद पर रखा है। इस तरह इमाम अली वो नुक्ते हैं जहां से तमाम मखलूकात का आगाज़ हुआ। इमाम अली का नाम चांद पर लिखा है और मुसन्निफ़ अली रिज़वी ने चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में 370 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। ये किताब अंग्रेज़ी में है लेकिन गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आसानी से उर्दू ज़बान में तर्जमा की जा सकती है। किताब का नाम है चांद की निशानी नाजिल हो गई, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। चांद पर इमाम अली का नाम अल्लाह की फ़तह का झंडा है। किताब www.alinameonmoon.com से डाउनलोड की जा सकती है। चांद पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वीडियो YouTube पर उर्दू ज़बान में देखी जा सकती है। इस वीडियो में हमने चांद कॉन्फ्रेंस पर इमाम अली के नाम का सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ट्रेलर दिखाया है। www.alinameonmoon.com खसूसी शिरकत करने के लिए जो नॉर्वे से तशरीफ़ लाए हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब को कि वो अपना खुतबा पेश करें। अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब, नारे तकबीर। उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। देखें चांद पर कितने साल हो गए, हम कहानियों सुनते चांद पर बुढ़िया रहती है। यूरोप में लिखा फेस इन द मून, चेहरा है चांद के ऊपर। कोई कह दे चांद के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लकीर लगी हुई है, कोई कुछ कह दे, कहा गोहर शाही है यहाँ की, किसने कहा उसकी तस्वीर है। सारी दुनिया ने मान लिया, इंसानियत का मिजाज है ऐसा कि जो भी बेमकसद बात हो उसे मान लेते हैं, कि जो बेमकसद बात हो उसे मान लेते हैं, लेकिन जहां पे मकसद नजर आए उसको मानने से रुक जाते। क्यों? क्योंकि वहां जहां मकसद है वहां फजल है, जहां फजल है वहां हसद है। वाह 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 या अली या क्या कहने वाला ना, सुभान अल्लाह। जहां जहां फजल है वहां हसद है, वहां हसद है। भाई देखें कोई ये फजीलत भी अली को मिल गई। या अली या अली भाई ये फजीलत भी अली को मिल गई। मुझे हैरानी है कि मुसलमान अली का नाम लेने से क्यों घबराता है। अली आए तो इस्लाम आया, अली ने आंख खोली तो हिकमत के दर खुले, अली बोले तो कुरान को जुबान मिली, अली ने हाथ उठाया तो अदालत को मीजान मिली, अली चले तो तौहीद के चराग चले, अली बड़े तो कुफ्र की जुल्मत भागी, अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी, अरे बिस्तर पे कदम तो नफ्सुल्लाह बने, खैबर में अलम तो यदुल्लाह बने, मंजरे कौसैन पे नजर तो ऐनुल्लाह बने, कौसैन अली के किनारे, कौनैन अली के सहारे, बिगड़े तकदीर इस्लाम तो रिसालत अली को पुकारे, अरे तुम किस इस्लाम में चल पड़े प्यारे, अली को छोड़कर किनारे किनारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अदा कीजिए अल्लाह, सुभान अल्लाह फिर अदा कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने।
جہاں جہاں توحید کی عبادیت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے، جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں علی کی خلافت ہے، جہاں اسلام کا اقتدار ہے وہاں علی کی ہدایت ہے۔ ارے تم علی کا نام کیوں نہیں لیتے، کیا شکایت ہے؟ علی کا نام لینا مومنوں کی عبادت ہے، علی کا نام لینا مجاہدوں کی عادت ہے۔ کیا کہنے، نام علی مشکل کشا ہے، یہ جبریل جانتا ہے۔ علی کا نام جیت کی علامت ہے، قومی ٹیم مانتی ہے۔ علی کا نام فتح کی ضمانت ہے، پاک فوج جانتی ہے۔ سبحان اللہ، سارا جہاں علی سے، سارا جہاں پڑھ رہا ہے، علی سے سارا سماج چل رہا ہے۔ ہر دم علی علی ہے، ہر قدم علی علی ہے، نگر نگر علی ہے، گلی گلی علی ہے۔ پہلے زمین پر بھی علی علی تھا، چاند پر بھی علی علی۔ نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ ہر مقام پر کائنات میں علی اس لیے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، 62 سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کیسا ہے؟ وہ عظیم فضل والا ہے۔ اب جسے رب کائنات عظیم کہے، کتنا بڑا فضل ہوگا؟ رب کائنات کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جس فضل کو عظیم کہے، اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے۔ حیدری، اس فضل کا تأثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے۔ بے شک اس لیے ہر جگہ علی علی ہے کہ اللہ اور رسول نے چاہا ہے کہ علی علی ہو۔ اتنا بڑے خدا نے بنایا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، مشارق الانوار بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام نے مشارق الانوار میں، اور ایک خطبہ جو مولا کا ہے وہ طالب جوہری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اس میں خطبہ افتخاریہ کا حوالہ دیا ہے، اس میں بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں خطبہ افتخاریہ میں، لیکن انہوں نے بالکل آخری حصہ دیا ظہور مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں ان کے متعلق۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب مولا علی علیہ السلام سے سلمان اور بوذر نے پوچھا ہے، روایت شیعہ روایت ہے، سلمان اور بوذر نے، تو مولا علی علیہ السلام، لمبی بات ہے، آخری حصہ پیش کر رہا ہوں، کہا یا سلمان انا ابو کل مؤمن و مؤمنہ، اے سلمان میں ہر مومن اور مومنہ کا باپ ہوں۔ یا علی، یا انا تامت الکبرا، ارے میں وہ سب سے بڑی، یہ قیامت کے نام ہے، میں سب سے زیادہ بڑا گرا دینے والا ہوں، پناہ کر دینے والا ہوں۔ ان الحاقات ان القاریات ان الغاشیہ، ارے میں ہی ہوں حاقہ، میں ہی ہوں القاریہ، میں ہی ہوں الغاشیہ۔ اللہ اکبر۔ ان الممتحنۃ النازلہ، میں علی ہوں جو نازل ہونے والا امتحان ہوں۔ اور کہا و نحنو آیات و دلالات والحجب والوجہ اللہ، اور اے سلمان ابو ذر، ہم اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، ذات کی دلیلیں ہیں، اللہ کے حجاب ہیں، اللہ کے تعارف کی وجہ۔ جالی جالی، بات ختم نہیں ہوئی، آیت روایت جاری ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے جھوم کے سلمان کی طرف دیکھا اور اس مقام کے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انی کتب اسمی علی العرش فاستقر،
यकीनन ऐ सलमान जब मैंने अपना नाम अर्श पे लिखा तो वो कायम हुआ, वो अल समाए फकामत आसमानों पे लिखा तो वो खड़े हो गए, वो अल अर्ज फरशत और जब जमीन पर लिखा तो बिछ गई, वो अल जिबाल फरसत मेरा नाम पहाड़ों पर लिखा तो वो जमीन में गड़ गए, अल्लाहु अकबर, वो अल रीह फजरत और जब हवा पे लिखा वो चलने लगी, वो अनल बर के फलामा जब बिजली पे लिखा वो चमक उठी, अल्लाह ये अली का नाम है, जब बिजली पे लिखा तो वो चमक उठी, वो अलग दर के फम बारिश के कतरों पर लिखा तो वो गिरने लगे, वो अलग नूर फसता और जब नूर पर लिखा वो रोशन हो गया, वो अलग सहाब और वह फदामा जब बादलों पर लिखा वो बरसने लगे, वो अलग रादे फखचा मेरा नाम जब बिजली की कड़क पर लिखा गया वो खजू खजू से गिड़गिड़ाने लगी, वो अलग लैले फदुजा वो अजलमा और जब रात पर लिखा तो वो तार काली हो गई तारीख हो गई, वो अलग नहारे नारा व तबस्मा और जब दिन पर लिखा मेरा नाम तो वो रोशन हुआ मुस्कुरा उठा। अब बताओ कायनात की जब हर चीज पर मौला अली का नाम है तो अगर चांद पर एक वाहिद चीज है जिस पर अली का नाम नहीं होगा, सिर्फ एक चांद रह गया जिस पर नहीं होना। हर चीज पर मौला अली का नाम है तो सिर्फ चांद रह गया, मौला ने कहां पे कहा कि मेरा नाम चांद पर नहीं होगा। हर चीज पर मौला अली का नाम है की बात थी सकाफत की, अब आपकी शरीयत की बात है कि भैया तहजीब और सकाफत तो जुड़ी हुई है चांद सूरज से सितारों से आफ्ताब से बुरूज से, लेकिन आपकी शरीयत भी खारिज नहीं है चांद सूरज से, बगैर उसके एक कदम शरीयत और फिका नहीं चढ़ सकती, लड़खड़ा के गिर जाएगी। इसलिए कि सूरज से तशबीह दी कुरान में अल्लाह ने नबी को, चांद से तशबीह दी इमाम को अली को, और नबी ने अपना पूरा दीन अली के हवाले कर दिया, यानी सूरज ने अपने हुकूक चांद को दे दिए। अब कयामत तक शरीयत सूरज से नहीं चलेगी, चांद से चलेगी। क्या वादा कर रहे हैं आप, जैसी वादा करनी चाहिए, इसलिए कि आप इतने सुनने में इतने मजे में महव हो जाते हैं कि हमारा अजर देना आप भूल जाते हैं, कौन सुनाएगा आपको ये बातें। शरीयत सूरज से नहीं चल रही, शरीयत चांद से चल रही है, अगर चांद ना निकले तो ईद नहीं होती। चांद ना निकले तो रमजान नहीं होता, अरे अगर आज ना निकले तो ईद मिलादुन नबी गया। चांद निकले तो तौहीद का काम हो, चांद निकले तो अव्वल तौहीद दूसरे रोजे, वाजिब रोजे रखे नहीं जा सकते जब तक चांद ना हो, रोजे भी चांद, अगर चांद ना हो तो जकात वाजिब नहीं होती, चांद ना निकले तो जिहाद नहीं होता, चांद ना निकले तो खुम्स नहीं मिलता। और कोई ये पूछे तुम तो कहते हो 12 इमाम, चांद तो एक, अहमक, चांद तो एक ही है लेकिन साल में 12 बार चढ़ता है। अव्वल आना मोहम्मद, आखिर आना मोहम्मद, वसत व कुल्लु आना मोहम्मद, चांद एक ही है, मोहम्मद एक है, कभी अली बन के आया, कभी हसन बन के आया, कभी हुसैन बन के। हाँ, शरीयत जो है वो चांद से मुताल्लिक है, इसलिए कह दिया जंतरी ना हो तो कैसे पता चले कि आज चांद जो है 3 दिन तहतुशुआ और अकरब में रहेगा। क्या मतलब है, ये सूरज को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं साहब, सूरज तो बादशाह है,
उसके पीछे अकरब नहीं लग सकता, लेकिन चांद के पीछे अकरब लगाए, वो भी 3 अकरब पीछे लगे। ये क्या हुआ? सूरज निकला, सूरज निकला, सब चीजें नुमाया हो गई। इधर सूरज डूबा और जैसे ही चांद निकला सब निकल पड़े, चोर भी निकल पड़े, सांप भी निकल पड़ा, बिच्छू भी निकल, हशरातुल अर्ज कीड़े रेंगने लगे। पता चला जब चांद का दौर आता है तो सब कुछ बुलाने लगते हैं। तो भाई सूरज का दौर खत्म हुआ, चांद का दौर कयामत तक जा रहा है। आपकी शरीयत सूरज से नहीं जुड़ी हुई है, चांद से जुड़ी हुई है। और गालिब ने यही कहा कि सूरज के बाद आपको चांद को मानना है, चांद को मानना है। तो चांद जो है वो अली है? अली रिज़वी इज ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द साइन ऑन मून हैज बीन रिवील्ड इस्लाम विल टेक ओवर द वर्ल्ड। The book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World can be downloaded from www.alinameonmoon.com.